चल रहा है रतन टाटा सर के लेके, क्या कुछ कहना चाहेंगी? देश का कोहनूर चला गया है। यस यस बिल्कुल, रतन टाटा जी जो हैं हम सभी लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, इंस्पायर हैं, और बहुत दुख की बात है, मैं भी बहुत ज़्यादा सैड हूँ, हम सभी लोग जिनसे मिल रहे हैं ऑब्वियसली सभी लोग बहुत ज़्यादा सैड हैं। ऑब्वियसली जब आप ऐसा इंसान खोते हैं ना, तो वो बात दिल को छूती है और बहुत दिल पे लगती है, तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, बिकॉज ईश्वर जो है ऐसे लोग काफ़ी कम बनाता है, यू नो, ही वॉज द ओनली वन, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट, आई वुड से माई अल्टीमेट फेवरेट, यू नो, द टाइकून किंग, और जो इतने मॉडर्स्ट थे टाइकून, एज अ टाइकून किंग, उन्होंने जो किया है, जिस तरीके के डोनेशंस किए हैं, जो लोगों के लिए किया है, औरतों के लिए किया है, सभी के लिए किया है, वो यू नो उनकी पर्सनालिटी ही बहुत अलग थी, लाइक अ लायन, लायन ऑफ द जंगल आई वुड से, और जितना उनके बारे में कहेंगे उतना ही कम है, और मैं बस भगवान से, ईश्वर से यही कृपा करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दें, और ही इज़ लाइक एन एंजल, वी ऑल लव यू रतन टाटा जी, एंड यू नो आई मीन आई जस्ट वांट टू से दैट आई जस्ट होप एंड प्रे फॉर यू एंड फॉर एंटायर फैमिली, आई रियली विश्ड कि उनके खुद के यू नो किड्स भी होते, दैट्स व्हाट आई रियली, यू नो आई जस्ट लाइक सिंस मॉर्निंग आई हैव बीन रियली वेरी थिंकिंग अबाउट इट, बट आई फील कि एटलीस्ट दिस इज़ द ओनली थिंग जो उन्होंने नहीं किया, मे बी उनके किड्स होते तो एक एक अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, और जो ऑब्वियसली उन्होंने ट्रस्ट वगैरह सबके लिए किया, दैट इज़ रिमार्केबल।